हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक राठौर, ऑथर ऑफ मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट इन इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हम सबके ड्रीम्स, सपनों, खुशी, हैप्पीनेस से रिलेटेड है। एंड द टॉपिक इज व्हाई योर मैनिफेस्टेशन इज नॉट वर्किंग, व्हाई योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग। सो दे आर फोर रीजन्स। रीजन नंबर वन इज द आर सेल्फ डाउट एंड फियर। हम में से ज़्यादातर लोगों को सेल्फ डाउट होता है एंड फियर होता है। अगर हमें सेल्फ डाउट एंड फियर होगा तो हम लोग अपनी विश को पूरा नहीं कर पाएंगे, मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। कोई भी अफर्मेशन आप प्रैक्टिस कर लो, कोई भी आप मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर लो, आप दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वाई? बिकॉज देखिए, ये जो प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का, ये हमारे ब्रेन से होकर गुजरता है। अगर आपको सेल्फ डाउट या फियर होगा तो आपका ब्रेन आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी विश पे भी डाउट करता है। क्योंकि देखिए, हमारा जो ब्रेन है उसका जो मेन फंक्शन है, दैट इज आर ब्रेन इज डिजाइन फॉर द सर्वाइवल, वो हमारे सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करता है। तो अगर हम लोग फियर कैरी कर रहे हैं, जो कि हमें से ज्यादातर लोग कैरी करते हैं, अगर हम लोग सेल्फ डाउट कैरी कर रहे हैं, तो जो भी हमारी जो विश होती है, हमारा ब्रेन उस पर भी डाउट करता है। और अगर हमारा किसी भी विश पे कहीं भी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, डाउट है, तो उन इंफॉर्मेशन को, उन विशेष को हमारा ब्रेन ऐसी जगह स्टोर करता है जहां पे वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। सो द रीजन नंबर वन इज द सेल्फ डाउट एंड फियर। रीजन नंबर टू, हम अगर आपके माइंड में नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, तो आप अपने विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि हमारे जो नेगेटिव मेमोरीज होते हैं, पास्ट के नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो हमारे रेफरेंस पॉइंट का वर्क करते हैं, एज ए रेफरेंस पॉइंट वर्क करते हैं। और एक नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट को फॉलो करके हम लोग अपनी लाइफ में अपने विशेष को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट नेगेटिव है, अगर वो पेन, अगर हमारे लाइफ के नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव इमोशंस, अगर वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो हम लोग अपनी लाइफ में उसी तरह के सिचुएशन को क्रिएट करेंगे, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। नाउ द रीजन नंबर थ्री। रीजन नंबर थ्री इज, हम लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके बहुत से लेयर्स होते हैं। उसके डीपर जो एस्पेक्ट होते हैं, जो डीपर लेयर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीप सबकॉन्शियस माइंड, या उसको डीएनए भी बोलते हैं। तो अगर आपके डीप सबकॉन्शियस में या डीएनए में ब्लॉक्स हैं, तो भी आप अपने विश को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो क्या ब्लॉक्स हैं, उसको हम लोग पता नहीं कर सकते। बट अगर आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपका हेल्थ हो, या आपका करियर हो, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप एक नेगेटिव ब्लॉक्स अपने डीएनए में या अपने डीप सबकॉन्शियस लेवल पे कैरी कर रहे हैं। जब तक हम उसे क्लीन नहीं करेंगे, हमारा विश पूरा नहीं होगा, हमारा मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज रीजन नंबर फोर। रीजन नंबर फोर इज रिलाइंग ऑन ओनली टू टूल्स, वन अफर्मेशन, टू विजुअलाइजेशन। ये दो वो टूल हैं, ये जो दो वो टेक्निक हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है, और सरप्राइजिंगली ये सबसे कम पावरफुल है। इसको समझाने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। द क्वेश्चन इज, आपको कितने सालों से पता है कि अफर्मेशन से आप अपने डीपेस्ट डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन से आप अपने डीपेस्ट डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? नाउ माई सेकेंड क्वेश्चन इज, आप अपने कितने विशेष को पूरा कर पाए, आप इसको प्रैक्टिस करके अपने कितने डिजायर्स को पूरा कर पाए? आपको भी पता है कि आप बहुत थोड़े से को कर पाए, ज्यादातर को नहीं कर पाया। और अगर आप केवल इन टूल्स, इन दो टूल से अपने डीपेस्ट डिजायर को, अपने नीड को, अपने एक्चुअल विशेष को आप मैनिफेस्ट कर पाते, तो आपको और सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास टूल्स था, प्रैक्टिस करते, रिजल्ट आता। सो केवल इन दो टूल्स पे रिलाई करना वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं अपने विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो दीज आर द फोर रीजंस। नंबर वन, फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। नंबर वन रीजन इज द सेल्फ डाउट एंड फियर। नंबर टू रीजन इज द नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मेमोरीज। नंबर थ्री इज द डीप सबकॉन्शियस और डीएनए ब्लॉक्स। एंड नंबर फोर, केवल अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन पे रिलाई करना। आगे की वीडियोस में हम लोग इन सारे पे हम लोग आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को क्लीन कर सकते हैं, कैसे आप अपने डीप सबकॉन्शियस ब्लॉक को क्लीन कर सकते हैं, और व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। जो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर प्रैक्टिस करते हैं, वी डोंट प्रैक्टिस अफर्मेशन, वी डोंट प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड रिजल्ट। सो
इसी के साथ इस वीडियो को मैं सेशन को मैं क्लोज करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो सेशन इंटेंट एनर्जी अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ये पॉजिटिविटी ज़्यादातर लोगों को पहुँच पाए। आप इसको जितना शेयर करेंगे आपका मैनिफेस्टेशन पावर उतना बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी को हम लोग जितना स्प्रेड करते हैं यूनिवर्स हमें और मौका देता है हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का, उसको स्प्रेड करने का। सो आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट में शेयर कीजिए ताकि आगे आपके जो डिमांड है, आपकी जो विश है, उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के शेयर कर सकूं। एंड सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई एम विवेक राठौर, ऑथर ऑफ मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल, न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट, क्रिएटर ऑफ फ्रीडम विथ न्यूरोसाइकोलॉजी फ्रेमवर्क एंड MNR मेथड विच इज द रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प एंड माइंड सेट। थैंक्स थैंक्स एंड